नमस्कार, जय हिंद। मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज़ नेशन। भारत और चीन के बीच में जंग का हुआ काउंटडाउन, और इस बार भी जंग की शुरुआत की है चाइना ने। 1962 से भी बड़ा कांड करने की कार्रवाई, लेकिन इस बार भारतीय सेना ने दिया है करारा जवाब। मैं आज ऐसी वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसे देख कर आप हैरान हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बॉर्डर पर क्या कुछ हो रहा है। आज चीन किस प्रकार से हिंदुस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला करने जा रहा है, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। भारत और चीन की बातचीत के बीच चीन की तरफ से धमकियाँ दी जा रही हैं। सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, अगर भारतीय सेना पेंगोंग त्सो झील के दक्षिणी हिस्से से नहीं हटती है तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी पूरे ठंड के मौसम में वहीं जमी रहेगी। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो भारतीय सेना जल्दी हथियार डाल देगी। भारतीय सेना को हथियार डालने की बात कह रहा है। देखिए, आपको स्क्रीन पर एक ट्वीट दिख रहा है, दरअसल ट्वीट चाइना से है। इफ इंडियन ट्रूप्स डोंट विदड्रॉ फ्रॉम द साउदर्न बैंक ऑफ पेंगोंग त्सो लेक द पीएलए विल कन्फर्म देन विल बी रिविंटर लॉन्ग द इंडियन ट्रूप्स लॉजिस्टिक्स आर पुअर मैनी इंडियन सोल्जर विल डाई ऑफ फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ कोविड-19 इफ अ वार ब्रेकआउट इंडियन आर्मी विल बी डिफीटेड क्विकली। सरकारी मीडिया की टिप्पणी केवल यही नहीं रुकी, ये भी कहा कि भारत का सैन्य तंत्र कमजोर है, उसे कई सैनिक कड़ाके की ठंड या कोरोना में मर जाएंगे। अगर भारत शांति चाहता है तो दोनों देशों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 7 नवंबर 1959 की स्थिति ही माननी होगी। अगर भारत जंग चाहता है तो हम उसकी ये इच्छा जरूर पूरी करेंगे। देखते हैं कि कौन सा देश दूसरे को मात दे सकता है। जंग का सीधा सीधा ऐलान किया जा रहा है चीन की तरफ से। देखिए, सेकंड ट्वीट आपके सामने है। इफ इंडिया वांट पीस चाइना एंड इंडिया शुड अपहोल्ड द एलएसी ऑफ नवंबर 7, 1959। बता दें आपको, इफ इंडिया वांट टू आर चाइना विल ऑब्लाइज लेट सी विच कंट्री कैन आउटलेस द अदर। इस प्रकार से एक के बाद चाइना ने बयान जारी कर कहा कि इस बार 1962 से भी बड़ा हमला होगा, 1962 से बड़ा तबाही मचेगी, और ये भी कहा कि भारत भूल गया कि वो क्या है। दरअसल ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीन ने हमेशा से भारत के सम्मान की फिक्र की है, भारत की राष्ट्रवादी ताकतें सम्मान का फायदा उठाना चाहती हैं, वे भूल गए हैं कि वो क्या हैं। आज के माहौल में हर चीज़ सामने रखने की ज़रूरत है। हमारे तिब्बत मिलिट्री कमांड भारत से तनाव को देखते हुए पीएलए के सपोर्ट के ड्रोन की मदद ले रही है, इससे साबित होता है कि पीएलए किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। दरअसल इसी बीच कुछ हो पाता लेकिन राहुल गांधी ने भी बम फोड़ दिया। भारत और चीन आपस में दूसरे को पर हमला कर जुबानी हमला कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की एंट्री देखिए किस प्रकार से होती है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया। और यही नहीं, उन्होंने ये भी लिखा है कि दरअसल भारत क्या कर रहा है। राहुल गांधी का ट्वीट आपके सामने दिख रहा है, उन्होंने लिखा था, चाइनीज हैज टेकन आवर लैंड व्हेन एक्सटेटली इज गोई प्लानिंग टू गेट इज बैक और इज दैट आल्सो गोइंग टू बी लेफ्ट टू एन एक्ट ऑफ गोल। वो लिख रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, भारत सरकार इसे वापस लेने की कोई योजना बना रही है या फिर इसे भगवान की मर्जी मानकर छोड़ देंगे। भारतीय सेना तो जंग लड़ी रही, लेकिन हमारे देश के नेताओं का क्या कहें जो सेना का सपोर्ट करने के बजाय अपनी खुद की राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। बॉर्डर पर कैसे हालात, कैसे नहीं है, कैसे भारतीय सेना वहां रह रही है, कैसे भिड़ रही है रात बिरात, कब हमला हो जाए, कब गोलियां चल जाएं, कब मिसाइल से हमले हो जाए, उसे कौन झेल रहा है, सिर्फ इंडियन आर्मी झेल रही है। लेकिन राहुल गांधी को ये बात कहां समझ में आएगी। सोने के पालने में पला ये इंसान नहीं समझता है कि बॉर्डर पर हालात कैसे हो सकते हैं। जिन ठंडियों में कोई जानवर भी अपना दम तोड़ दे, वहां भारतीय सेना जाकर रह रही है, और रह नहीं रही बल्कि बंदूक के ट्रिगर पर उंगलियां रखकर वो लगातार चीन की फौज को चैलेंज भी कर रही है। आपको बता दें, इधर रूस में दोनों देशों के बीच पॉइंट पर सहमति हुई है। भारत और चीन के तनाव के बीच रूस
में मीटिंग हुई और उस मीटिंग में कुछ बातों पर सहमति बनी है। चलिए आपको दिखाते हैं, भारत चीन विवाद सुलझाने के लिए 5 पॉइंट के प्लान पर सहमति बनी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, चीन के विदेश मंत्री वांग यी की गुरुवार शाम मास्को में बातचीत हुई। इसमें कहा गया है कि बॉर्डर के इलाकों में मौजूदा स्थिति किसी के हित में नहीं है। दोनों देशों के जवानों को बातचीत जारी रखते हुए तेजी से डिसाइजमेंट काम करना चाहिए। दरअसल भारत चीन सीमा से जुड़ी ये खबरें जान लीजिए। भारत चीन सीमा पर 45 साल बाद गोली चली। राड, भाले और धारदार हथियार भी लेकर आ रहे थे चीनी सैनिक। भारतीय सेना ने अपनी पोस्ट की ओर बढ़ने से रोका तो उन्होंने फायरिंग की। जहां कल गोली चली उस चुसल से ग्राउंड रिपोर्ट, शाम को गोलियां की आवाज़ आई। पूरी रात गांव में कोई नहीं सोया, यहां सिर्फ सेना ही नजर आ रही है। टकराव की आशंका। लद्दाख में 75 साल बाद फिर तनाव। एक दिन पहले भारत ने चीनी सेना की घुसपैठ नाकाम की। चीन ने सीमा के पास फाइटर प्लेन भी तैनात किए। जिस प्रकार से ये बातें सामने निकल आ रही कि एक हो सकता है कि बॉर्डर पर छुटपुट घटनाएं हो भी रही हों, हिंसक झड़प हो भी रही हो, लेकिन हम और आप न जानते हों, लेकिन जानना जरूरी है। देश की बात है और देश की बात है तो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय हालात बस से बदतर हो रहे हैं। चीन मान नहीं रहा है। चीन एक तरफ बात कर रहा है, एक तरफ कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है, कूटनीतिक राजनीतिक स्तर की बातचीत हो रही है, सैन्य स्तर की बातचीत हो रही है, लेकिन एक तरफ चीन जो है वो बॉर्डर पर एक बड़ी फौज लेकर आ रहा है। इतनी बड़ी फौज लेकर आ रहा है जो आज तक उसने किसी भी देश के खिलाफ नहीं उतारा है। और इस बड़ी फौज के सामने भारतीय सेना ने भी अपनी पूरी दमखम हुई ताकत झोंक दी है। अब देखते हैं यहाँ क्या होता है भविष्य में, लेकिन एक बात तो साफ है कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा, और इस बार कुछ बड़ा नहीं होगा, बल्कि इस बार हम ऐसा धमाका करेंगे कि दुनिया 1962 भूल जाएगी और चीन तो खासकर 2020 कभी नहीं भूलेगा। हम ऐसी तबाही मचाएंगे कि अक्साई चीन पर हमारा तिरंगा लहराएगा। हम ऐसी तबाही मचाएंगे कि पूरी दुनिया देखेगी कि ये हिंदुस्तानी आर्मी कुछ बदली बदली नज़र आ रही है। हमने अभी SFF के फोर्सों के दम पर पेंगोंग झील पर कब्जा किया, ब्लैक टॉप पर कब्जा किया। ये वो फोर्स थी जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती थी। अभी पता नहीं कितनी फोर्स इस टाइप की हमारे पास रखी हुई है जो ऐसा तांडव करेंगे कि चीनी की तरह घुल जाएंगे और वहीं लद्दाख किसी घाटियों में, किसी नदियों में, किसी झीलों में वो वहीं पर बह जाएंगे, क्योंकि इस बार भारत माफ़ करने वाला नहीं है। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी अपना पूरा प्रेम भारतीय सेना पर झोंक दीजिए। भारतीय सेना के लिए आप सपोर्ट कीजिए ताकि सैनिकों का हौसला बुलंद है। बहुत बहुत धन्यवाद।